This is the Bible class hour of Life Spring Assembly on Wednesday.

In this Bible class. और मुझे पूरा विश्वास और ये आशा है कि और ज्यादा विश्वासी इन बाइबल अध्ययनों में जुड़ेंगे। और आइए हम परमेश्वर के वचन की की ओर चलें। 9. और आज की शाम हम देख रहे हैं पहला कुरंतियों की पत्री उसका नवाध्याय थ्री uh, 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 और हमने तेईसवे वचन तक अपने अध्ययन को नवे अध्याय के समाप्त कर लिया है एंड टूडे वी शुक इन टू चाप्टर नाइन वर्सेस ट्वेंटी फोर्थ टू और आज की शाम हम पहला अध्याय चौबीसवें वचन से लेकर सत्ताईसवें वचन तक जाएंगे एंड closed वी क्लोज इन आवर आवर स्टडी लास्ट वेनसडे वी क्लोज बाई स्टेटमेंट बाई Apostle Paul. और याद रखिए पिछले बुधवार को हमने अपने बाइबल अध्ययन को समाप्त किया पॉलुस प्रेरित के एक वाक्य एक वचन के द्वारा किंगडम ऑफ गॉड कि कैसे पॉलुष प्रेरित कुछ भी बनने को तैयार था सब के लिए, के लिए ताकि वो कुछ को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की ओर दैट फॉर दिस गॉस्पल और इस के के लिए लिए किसी किसी भी भी बात को को बलिदान करने अधिकार त्यागने के लिए तैयार था एंड सोसिल और इसलिए पॉलिस प्रेरित के लिए सुसमाचार वो जुनून था उसके जीवन का And so let us look into these Verses, four, और हम चार वचनों की ओर देखेंगे पहला कुरंथियो नवाध्याय चौबीसवें वचन से लेकर सत्ताईसवें वचन तक so और आइए वचन से हम सुने क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ मैं तो दौड़ते सब हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्य नहीं मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूँ परंतु उस समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है परंतु मैं अपनी देह को मार मारता कूटता और वश में लाता हूँ ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूँ और ये नवे अध्याय के वचन का अंतिम भाग है इस वचन के भाग के अध्ययन के पश्चात हम नवे अध्याय के अध्ययन को समाप्त करेंगे और उसके पश्चात हम दसवे अध्याय की ओर बढ़ेंगे Now, और ये वचन के भाग जो अभी हमने पढ़ा एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है Here, Apostle Paul, uh, compared Christian life. टू रेस और यहाँ पर पॉलिस प्रेरित मसीही जीवन को एक दौड़ से उसकी तुलना करता है और इसका उदाहरण वो लेता है ओलंपिक के जो खेल होते हैं उनसे और उसकी तुलना होती है बातों की जिन बातों की तुलना होती है वो है अनुशासन हार्डवर्क परिश्रम

many participate but only one विन और अंतर सिर्फ इतना है कि खेलों में तो कई भाग लेते हैं लेकिन विजेता एक ही होता है And only one receives the prize. और सिर्फ एक ही को पुरस्कार मिलता है so, there is only one winner. और सिर्फ एक ही विजेता ठहरता है the believer enters the race for one purpose. लेकिन एक विश्वासी दौड़ में आता है सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ टू विन वो जीते नो दिल्फ डिसिप्लिन और जिस बात पर पॉलस दबाव बना रहा है या ध्यान खींचना चाहता है Now, वो है स्वयं को अनुशासित रखना आई लाइक ऑल ऑफ यूर लिसनर्स टू लिसन वेरी केयरफुल बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर क्रिस्टियन लाइफ इफ वी एवर वॉन्ट टू विन और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुने क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवनों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्फेसिस इज ऑन डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा महत्व पॉलिस देता है अनुशासन की ओर एवरी वन हुट टू पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन नेसेसरी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग और हर एक वो जन जो शुरुआती प्रशिक्षण में भाग लेना चाहता है एवरी वन हुसिपेट इन दीस एंशियंट गेम्स और हर एक जन जो इन पुराने खेलों में ऐतिहासिक खेलों में भाग लेना चाहता था हैड टू प्रोवाइड प्रूफ दैट इन दी मंथ्स कॉन्टेस्ट उसको ये साबित करना होता था या ये सबूत देना होता था कि खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से दस महीने पहले ही हैड पर्टिसिपेटेड इन द ने प्रमिन ट्रेनिंग कि उसने महत्वपूर्ण शुरुआती प्रशिक्षणों में भाग लिया है एंड द लास्ट थर्टी डेज और जो अंतिम तीस भाग तीस दिन होते थे जिम उसने एक आ, कसरत खाने में इस बातों की अभ्यास किया है ओलम्पिकेम्स अथॉरिटीज दो और ये वो अनुशासन थे जो उन दिनों में ओलंपिक के खेल कराने वाले जो लोग होते थे जो कमेटी होती थी उनके द्वारा ये नियम लाए गए थे एंड बिलीव अ मस्ट फुट आउट द सेम काइंड ऑफ विग्रस एफर्ट इन टू रीच द फिनिश लाइन और उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को उतना ही प्रशिक्षण उतना ही मेहनत और परिश्रम करना होता था ताकि वो उस अंतिम रेखा तक पहुंचने पाए ही मस्ट बी विग्रस एंडिजन वो समझदारी के साथ साथ उसे शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा परिश्रम करना दौड़ में बने रहना है ओलंपिक स्पोर्ट्स इफ ही एवर वॉन्ट टू विन द प्राइज और यही अनुशासन आपको ये ओलंपिक के खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी के समान उसके जीवन में होना चाहिए अगर वो प्रतियोगिता जीत कर पुरस्कार पाना चाहिए क्रिस्टियन मस्ट पार्टिसिपेट इन एंड गोल और हर एक मसीही को इस दौड़ में प्रतियोगिता में भाग लेना है एक लक्ष्य के साथ

वेल डन माई गुड एंड फेथफुल लेकिन एक servant. विश्वासी के लिए सबसे बड़ा बात सबसे बड़ी एक ऐतिहासिक बात यह है जब यीशु मसीह खुद उसे ये कहेगा कि शाबाश मेरे विश्ववासियों क्रिस्टियन विनर और एक खास अंतर जो एक ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं के, के विजेता और मसीही दौड़ के विजेता के बीच में है। race, एक मसीही दौड़ में हर कोई विजेता बन सकता है एंड इन दू रीड फर्स्ट वन द प्राइज लेकिन दूसरे हाथ पर ओलंपिक खेलों में जो पहले अंतिम रेखा को पार करता है सिर्फ वही विजेता कहलाता है race, और एक मसीही दौड़ में दबाव पर, पर नहीं है कि कैश कौन पहले आएगा बट इट इज डिसिप्लिन हार्ड रनिंग विनर लेकिन महत्व इस बात को दिया जाता है कि कितनी मेहनत परिश्रम और एकाग्रता के संग वो मसीह दौड़ को दौड़ा गया है दूसरा तिमती उसके चौथे अध्याय की ओर हम जाएं और पॉलिस द्वारा बोला गया एक दूसरे वचन को हम देखें दूसरा तिमुतीस चौथा अध्याय Verses, uh, और वचन इस प्रकार कहता है मैं अच्छी मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है मैंने विश्वास की रखवाली की है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं uh, consider...

लेकिन किस रीति से आपने एकाग्रता मेहनत और परिश्रम और पूरे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दौड़ा है ये बात मायने रखती है। That's है what Paul is saying. और इसी बात को पॉलिस कहता है आई हैव आई हैव आई हैव फॉट अ गुड फाइट कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है एंड आई हैव रन द रेस और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है एंड आई हैव केप्ट द फेथ और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है वेरी फेथफुली

पहला पहलाध्याय पच्चीसवा वचन एवरी एथलीट एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इन ऑल थिंग्स और हर एक खिलाड़ी अपने अंदर स्वयं का अनुशासन को लेकर चलता है क्रिस्टियंस नीड टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट डिसिप्लिन और मसीहों को भी अनुशासन को लेकर अपने जीव, जीवन में कठोर बनना है Now, you notice, uh, two, three things. मैं चाहता हूँ दो तीन बातों की और आप ध्यान लगाइए। लगाएट हिस्स बॉडी वो अपने शरीर को लेकर अनुशासित होता है वॉट ही ई वो क्या खाता है हाउ मच ही कितना खाता है

अनुशासन की अपनी आत्मा को वो मजबूत बनाए मोटिवेटेड और प्रोत्साहित रहे द गोल uh, uh, ताकि वो निरंतर कसरत करके अपने आप को तैयार करके उस लक्ष्य तक पहुंचने पाए एंड सो दिस पॉइंट वी नीड टू बॉडी uh, एक ये वो तीन बातें है कैसे शरीर को अनुशासित रखना है एंड हाउ टू कीप आवर माइंड कैसे अपने मनो को अनुशासित रखना बेस्ट कंडीशन सबसे अच्छी स्थिति में बनाए रखना and, uh, how

स्वामी को प्रसन्न करे और उस लक्ष्य तक द क्रिस्टियन रेस और हम मसीही दौड़ को जीतने के लिए no एक विश्वासी को कुछ कम नहीं करना है, body, उसे, अपने देह को बनाए रखना है। mind, उसे अपने मन को बनाए रखना है spirit, और उसे अपनी आत्मा को बनाए रखना है। गुड स्ट्रेंथ एंड गुड शेप और सारी इन बातों को अच्छे आकार और अच्छी आत्मा में इन फैक्ट ए क्रिस्टियन मस्ट वर्कआउट जबकि इसके बजाय एक मसीही को और कई ज्यादा रूप से परिश्रम करना है और ज्यादा रूप से कसरत करनी है एंड कारण ये है क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये तो एक ऐसे पुरस्कार के लिए दौड़ते हैं जो अंत में सूख जाएगा दैट द ग्रेटेस्ट इन ओलंपिक गेम और जो पुराने ऐतिहासिक ओलंपिक गेम्स होते थे पुराने जमाने में उन दिनों में यही एक पुरस्कार मिलता था इज गोइंग थ्रू ऑल दैट डिसिप्लिन एंड कॉन्सेंट्रेशन एंडिसन ही गेट्स

और एक ऐसा पुरस्कार जिसे वो हमेशा अपने पास रख पाएगा और ऐसा जो अनंत का है अ रियल क्राउन उसे सच सच का का एक सच, सत्य का एक सत्य मुकुट प्राप्त होता है ऑल्सो नोटिस और खास और ये Christian भी देखिए डिसिप्लिन ऑल्सो कवर्स थ्री अदर थिंग्स और मसीही अनुशासन में तीन और, और बातें बाते भी आती है कवर्स इज बॉडी वो अपने शरीर के आ, आता है माइंड एंड स्पिरिट आत्मा और मन A Christian controls his body. एक मसीह ही अपनी देह को नियंत्रित करता है। Now let us look into Romans chapter twelve verses one and two. और रोमियों की पत्री बारवाँ दिहाए एक और दो देखिए। Where it says. और जहाँ पर इस प्रकार लिखा है। I urge you, brethren, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पर पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ दिस इज योर योर एक्ट ऑफ वर्शिप यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए इस बात को बॉडी कितना जरूरी है शरीर को अनुशासित रखना एंड एज समर इज एक्सप्रेस और ऐसी कुछ पहला कुरंती हो छठे अध्याय में भी इसी प्रकार लिखा है वर्सेस 19 20. और 20 उन्नीसवा और बीसवा वचन और डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज अ टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट विद इन यू क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है एंड यू आर नॉट योर ओन तुम अपने नहीं हो फॉर यूर बॉट विद प्राइस सो ग्लोरिफाई गॉड इन यूर बॉडी क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दिस इज द डिसिप्लिन दैट यू नीड टू ब्रिंग टू कंट्रोल एंड कीप योर बॉडी Acceptable to God. और ये वो अनुशासन है जिसे आपको लेकर के आना है ताकि आप अपनी देह को अपने नियंत्रण में रखें और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं। इट इज अट हेज टू बी ऑफर टू गॉड एज ए लिविंग सेक्रीफाइस जीवित बलिदान के रूप में आपको परमेश्वर को देना है बिकॉज योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट क्योंकि you you क्योंकि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है एंड देर और इसलिए विथ योर बॉडी यू ग्लोरिफाई गॉड अपनी देह के द्वारा आप परमेश्वर का महिमा करें ओ हाउ इम्पोर्टेंट दिस लेसन टूडे और कितना महत्वपूर्ण है ये शिक्षा आज के दिन वी आर लिविंग एट अ टाइम वेन

And adultery, and uh, they say it is a normal thing today. वह भी चार और हर प्रकार की गलत बात को करते हैं और कहते हैं अरे ये तो चलता है लेट मी टेल यू लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यू आर सेफ नॉट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ आप like बचाए that. गए हैं इसलिए नहीं कि आप एक साधारण जीवन जी यूर लाइफ बिलोंग टू गॉड आपका जीवन परमेश्वर That's का है। इट्स यू डोंट बिलोंग टू यूर सर इसीलिए वो कहता है की तुम अपने हो तुम अपने नहीं हो बिकॉज यूर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ अ लिविंग गॉड क्यूँकी तुम्हारी देह परमेश्वर उस जीवित परमेश्वर का मंदिर है हाउ

प्रेगनेंसी इज वेरी कॉमन और आज के दिनों में वो जवान बेटिया और लड़कियां गर्भवती होना बड़ा साधारण सा बात है आई एम नॉट 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 टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड इन द वर्ल्ड मैं किसी संसार के संसार की बात नहीं कर रहा हूँ बाहरी लोगों की बात नहीं कर रहा आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन मैं बात कर रहा हूं ईसाइयों के विषय में पीपल हु गो टू चर्च हुए लोग जो कलीसिया आते हैं एंड दे रीड द बाइबल वचन पढ़ते हैं एंड दे they get into all kinds of trouble और वो हर प्रकार की समस्याओं में पड़ते हैं because discipline of the body is not considered important क्योंकि शरीर का जो अनुशासन है उसे वो महत्व नहीं देते it is very important to god और ये लेकिन परमेश्वर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है and i pray that you will take this matter very very seriously और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेंगे and uh, So then secondly, दूसरी बात ही कंट्रोल्स हिस माइंड एंड थॉट वो अपने विचारों और अपने मन को नियंत्रित करता है। Who? कौन अच्छा एक, एक मसीही धावक एक मसीही दौड़ दौड़ने वाले यूर रनिंग क्रिस्टियन लाइफ आप एक मसीही जीवन की दौड़ जोड़ रहे कंट्रोल यूर माइंड एंड था आपको अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना होगा Remember, याद रखिए। यूर थॉट कैन बी द फाइलिंग यू आपके विचार आपको अशुद्ध कर सकते हैं एंड डोंट अलाओ एनी सच थॉट टू डिस्ट्रॉय यू और होने ना, ना दें कि आप ऐसा कोई भी विचार आपका विनाश करे रोमंस 8 5 एंड 7 और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 5वां और 7वां वचन लेट्स लुक इनटू दैट एंड सी व्हाट इट सेस और आइए वहां हम देखें उसमें किस किस प्रकार लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक

दसवा अध्याय तीन और तीन से लेकर पांच तक दिस इम्पोर्टेंट आर वेरी इम्पोर्टेंट दिस रेफरेंसेस आर वेरी इम्पोर्टेंट सो लुक इन टू इट और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है कृपया करके इनकी ओर देखिए एंड सेकेंड कोरिंथियंस फाइव आई मीन टेन थ्री टू फाइव और दूसरा कुरंतियों दसवा अध्याय तीसरे वचन से लेकर पांचवे वचन तक Good. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर का द्वार के द्वारा सामर्थ्य हैं इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं रिमेंबर इन क्रिस्टियन लाइफ याद रखिए मसीही जीवन में लाइफ इज इज अ बैटल या जीवन एक संघर्ष है एक लड़ाई है एंड वी वी फाइट अ बैटल और हम एक लड़ाई को लड़ते हैं बट वी डू नॉट बैटल विथ फ्लैश एंड ब्लड लेकिन हम वो प्राण और आत्मा या उस लहू और देह से नहीं लेकिन हमारा शत्रु तो आत्मिक है द आत्मिकल्फ और वो शैतान खुद है एंड सो द वेपन हैज टू बी स्पिरिचुअल और इसलिए वो हथियार भी आत्मिक होना चाहिए एंड सो वी हैव अ स्पिरिचुअल वेपन गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ और इसलिए हमारे पास वो आत्मिक हथियार है परमेश्वर के द्वारा दिया गया एंड द वी यूज एस बिलीवर्स इन जीसस क्राइस्ट Uh, have a divine power to destroy strongholds. और वो हथियार जो हम प्रभु यीशु मसीह में प्रयोग करते हैं उनके पास वो सामर्थ है कि वो गड़ों को ढा दे वेन वी वेन बी ठॉक

गलातियों की पत्री एंड 23 बाईसवा और तेईसवा वचन परात्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नर्म्र नम्रता और संयम है ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे भाइयों और बहनों एंड चिल्ड्रन और मेरे बच्चों जवानों लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन को सुनिए एंड ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड विल कीप यू स्ट्रांग इन इन योर फेथ इन योर स्पिरिट एंड इन योर एज यू रन दिस क्रिश्चियन लाइफ यू कैन एक्सपेक्ट टू विन और ये आज्ञाकारिता आपको सहायता करेगी जैसे आप इस मसीही दौड़ में दौड़ते हैं ताकि आप इसको जीत जीतने पाए और जो अच्छा भला समाचार है इनकरप्टेबल इटर्नल क्राउंड कि एक विश्वासी इस मसीही दौड़ को दौड़ता है कि वो एक ऐसे मुकुट को पाए जिसको कभी भी दूषित या समाप्त नहीं किया जाए न्यूज टेस्ट मेंबाउट seven डिफरेंट का नया नियम बात करता है सात अलग अलग प्रकार के मुकुटो के विषय में uh, यहाँ पर बात की गई है एक ऐसे मुकुट के विषय में जो कभी दूषित न किया एवरी क्रिस्टियन विंस दिस क्रिस्टियन लाइफ और हर एक वो मसीही जो इस मसीही दौड़ इस मसीही जीवन को जीतता है A crown, a crown. तब वो वो इस इस आशा को को सकता सकता है, इस विश्वास को रख सकता है विश्वास रख कि बिलीव पास अवे और याद एक विश्वासी का मुकुट कभी सूखेगा नहीं मुरझाएगा नहीं समाप्त नहीं होगा इस बात को बड़ी स्पष्ट रूप से बताया इसीलिए सिक्स और, और, और छब्बीसवे वचन चैप्टर चैप्टर नाइन नवे अध्याय के यूटीट yes. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्य ही नहीं मैं भी इसी रीति से मुख को से लड़ता हूं परंतु समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है द रेस और याद रखिए मसीह विश्वासी एक निश्चितता के संग इस दौड़ को दौड़ता है विथआउट डिस्ट्रैक्शन uh, और बिना किसी भटकने के या बिना किसी ध्यान भटकाए इन द रेस

एक उस दौड़ने वाले खिलाड़ी के समान। है। आपको बलिदान देने होंगे और आपको उदार बनना होगा और दूसरों को माफ करना होगा इवन टू ऑफ गेटिंग हर्ट और यहाँ तक कि भी आप खुद चोट खाकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने बिकॉज गोल इज समाव हमारा लक्ष्य यह है कि किसी रीति से हम दौड़ को खत्म करके उसे विजेता बने क्रिस्टियन रेस रन ही रन विध सर्टनटी विदआउट डिस्ट्रैक्शन और एक मसीही धावक या दौड़ दौड़ने वाला एक निश्चितता के संग बिना अपना ध्यान भटकते हुए दौड़ता है। और वो जानता है कि कहा किस जगह से उसे दौड़ना है कहाँ पर वो सी रेखा खींची हुई है lines on the track. और उस दौड़ने वाली पट्टी पर रेखा कहाँ पर है फिनिश लाइन और कहाँ पर अंतिम रेखा है And he is not uncertain. और वो इस बात को लेकर अनिश्चित नहीं है Sometime, और कई बार निश्चित और कई बार अनिश्चित ये सारी बातें नहीं समाइम एक्टिव और कई बार आप कार्यशील हैं। अदर टाइम इनएक्टिव और कई बार आप कार्यशील है ही नहीं समाइम प्रैक्टिसिंग कई बार आप अभ्यास करते हैं अदर टाइम लाइंग डाउन कई बार आप लेटे हुए हैं समाइम स्टेइंग इन द लाइन और कई बार रेखा में खड़े हैं अदर टाइम मूविंग आउट और कई बार उस पंक्ति से हट जाते हैं टाइम कीपिंग द फिनिश लाइन कई बार आंखों को उस अंतिम रेखा पर लगाते हैं अदर टाइम अवे और कई बार आंखों को सीमा रेखा से हटा के इधर उधर देखते हैं सच अ पर्सन कैन नेवर मेक इट तब ऐसे व्यक्ति कभी भी जीत नहीं सकता says, और इसीलिए ब्रानियों की पुस्तक को लिखने वाला लेखक कहता है रन योर रेस तुम अपनी दौड़ को फिक्सिंग योर आइज ऑन जीसस अपनी आँखों को ये की ओर लगाए हुए यूर आईज आपकी आंखें एक जगह लगी होनी चाहिए और अगर आप ये अनुमति देंगे की आपका ध्यान भटके इधर उधर जाए तब ये बातें आपका नाश करेंगे दिस पोर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये भाग बहुत महत्व महत्वपूर्ण है इसलिए आगे भी एक और अध्ययन में हम इसकी ओर बढ़ेंगे एंड मे द होली स्पिरिट इम्पैक्ट अपॉन यू और पवित्र आत्मा आपके ऊपर इस बात को डाले स्ट्रेंड डिटर्मिनेशनस और ध्यान की आप केंद्रित बने रहेंटर बॉडी याद रखिये आपका शरीर क्या है It's the temple of the Holy Spirit. ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है you are not to play with your body. आपको अपनी देह के संग खेलना नहीं है be, don't be careless. और ध्यान, ध्यान पूर्वक रहे

And possess us and thus control us. हम ये विनती करते हैं कि आप आइए हम पर अपना कब्जा लीजिए हमें नियंत्रित करिए और हमारे द्वारा कार्योरी क्योंकि हम इस दौड़ को समाप्त करना चाहिए और पूरे आज्ञा के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल और उन नियमों के साथ थैंक यू धन्यवाद यशु के नाम में हमें